ये नजारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। पूरे शहर में भव्य सजावट की गई है। लोगों ने अपने निजी मकानों पर भी सजावट की है। कई जगह एलईडी पर रामायण भी दिखाई जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी राममय हो चुकी है। महानगर के तमाम उपनगरीय इलाकों में रामलला की झांकियां निकाली जा रही हैं और हवन पूजन चल रहा है। मुंबई के जुहू में शानदार झांकी देखने को मिल रही है, जिसमें प्रभु राम के महासागर पार कर अयोध्या लौटने का चित्रण किया गया है। नोएडा में भी राम भक्तों ने शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता इन यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा भी राममय हो चुका है। सूरजपुर कस्बे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर शामिल हुईं। भोपाल में भी राम भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर गली मोहल्ले में महिलाएं कलश यात्राएं निकाल रही हैं। कई स्थानों पर अखंड रामायण के पाठ शुरू हो गए हैं। दूसरी अयोध्या कहलाने वाली मध्य प्रदेश की ओरछा नगरी में संत समाज की भारी भीड़ जुटने लगी है। तमाम संत एक लाइन में बैठकर भगवान राम के गीतों को गा रहे हैं और ढोलक, मृदंग, वीणा और झांझ बजाकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। इंदौर में इस मौके पर विश्राम बाग में कवियों ने राम का गुणगान किया। भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी ने इस कवि सम्मेलन का संचालन किया। विश्राम बाग में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के प्रयासों से लोहे के कबाड़ से अयोध्या के श्रीराम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। उसी स्थान पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ देवास के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने विशाल यात्रा निकाली। इसमें करीब 10,000 बच्चे और 5,000 अध्यापक शामिल हुए। इस यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। देहरादून में भी विशाल शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। क्लेमेंट टाउन के पिपलेश्वर मंदिर से निकली इस शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हिंदू जन जागृति समिति और कई अन्य हिंदू संगठनों ने जयनगर में रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। बिहार के भागलपुर में भी राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर तैयारी कर रहे हैं। जाने माने कलाकार आलोक बांसुरी के जरिए प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे हैं। राजस्थान के करौली में भी अभूतपूर्व उत्साह है। सपोटरा में 11,000 कलशों की भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। सभी को अब उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।